नमस्कार, मैं समर चौधरी आज इस वीडियो के माध्यम से उन पेरेंट्स से बात करने जा रहा हूँ जो अपने बच्चों के लिए अच्छी स्कूल सर्च कर रहे हैं। ये जो जनरेशन है जिसको जेन जी जनरेशन बोलते हैं, इनको ना केवल एक स्ट्रॉन्ग एकेडमिक्स वाली स्कूल बल्कि वो स्कूल चाहिए जो उनके होलिस्टिक डेवलपमेंट पे काम करे। टीयर वन और टीयर टू सिटी में अब कोई फर्क नहीं है, हम अकेडमिकली उनके बराबर आ गए हैं। पर जो मैंने मेरी कॉलेज लाइफ में फील किया, मेरी बीटेक में, कि जो बच्चे टीयर वन स्कूल से पढ़े हुए हैं वो टीयर टू या टीयर थ्री की सिटीज की स्कूलों में ये फर्क था कि उनका जो कम्युनिकेशन स्किल था, जो उनका अपने आप को एक्सप्रेस करने का वे था, वो वे बेटर था। इसलिए जो बच्चे टीयर वन की स्कूलों से पढ़े हुए थे वो आज ज्यादा अच्छे सेट है, अच्छी कंपनीज में अच्छी पोस्ट पर है। ये थोड़ा मेरे को एक गैप फील हुआ, ये आके मेरे पापा से डिस्कस भी किया कि हमें एक सीकर में एक ऐसी स्कूल लानी चाहिए जो उस गैप को फिल करे। आने वाली जनरेशन जो आगे 10 साल बाद रियल फील्ड में आएगी, जब वो बिजनेस में आएगी, जब वो ब्यूरोक्रेसी में आएगी, जब वो अपना खुद का एक स्टार्टअप करेगी या किसी बड़ी एमएनसी में काम करेगी, क्या वो एक आदमी अपनी बात एक्सप्रेस कर पा रहा है, इंटरेक्ट कर पा रहा है, क्या अपने वो विजन जो उसका है क्या वो लोगों को एक्सप्रेस कर पा रहा है। ये एक बहुत बड़ा नेसेसिटी है आज के टाइम में एक अच्छी स्कूल के लिए। एक बार मैं हार्वर्ड बिजनेस रिव्यू का एक जर्नल पढ़ रहा था, उसमें लिखा हुआ था कि आने वाली जो जॉब्स हैं, जो बिजनेसेस हैं, उसमें जो बेसिक जो फर्स्ट नेसेसिटी है वो एक गुड लीडरशिप विथ टीम वर्क एंड कम्युनिकेशन स्किल है। इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए हमने CIS लॉन्च की, क्योंकि हमें फील हुआ कि सिक्कर में अभी उस एक वॉइड है एक वैसी अच्छी स्कूल का जो टीयर वन की स्कूल से कम्पीट कर सके। हम अकेडमिकली कर पा रहे हैं पर बाकी चीज़ों में अभी को वॉइड है, उसको वॉइड को फिल करने के लिए हमने CIS के साथ आए। CIS का हमने बकायदा जो करिकुलम है, जो एक्टिविटीज़ हैं, बहुत ही प्रिसाइजली डेवलप किए हैं कि एक बच्चे को रिक्वायरमेंट क्या होती हैं। वो प्लेटफॉर्म देने के लिए हमारे पास ऑलमोस्ट 20+ लैब प्लस एक्टिविटीज़ हैं। अगर किसी बच्चे को रोबोटिक्स में इंटरेस्ट है तो उसके लिए हमारे पास रोबोटिक लैब है कि वो रोबोटिक पे काम करना चालू कर सके। मैं शायद CIS पहला स्कूल होगा जिसमें हमारे पास एक 3D प्रिंटर तक है कि बच्चे को एटलीस्ट पता रहे कि टेक्नोलॉजी वाइज इस वर्ल्ड में चल क्या रहा है। तो हर एक बच्चे की नीड को फुलफिल करने के हिसाब से हमने रिसोर्सेज डेवलप किए हैं स्कूल में। वी एट CIS बिलीव दैट एवरी चाइल्ड इज बोर्न टू शाइन। हर एक बच्चे में एक स्पेसिफिक इंटरेस्ट होता है कि उसको वो चीज़ करने में अच्छा लगता है। अगर आप उसको वो प्लेटफॉर्म दोगे, वो हम CIS पे हमारा वो ये कि हम उस बच्चे को एक प्लेटफॉर्म देंगे जिसपे अपनी वो हॉबी को और अच्छे लेवल पे डेवलप कर सके। एक किसी बच्चे को डांस उसकी हॉबी है, उसको हम एक डांस क्लब में देंगे कि वो उसमें जाके अपना टैलेंट को और पॉलिश कर सके, उसमें और कुछ सीख सके। क्योंकि अकेडमी के साथ साथ ये चीज़ रहेगी तो बच्चे को एक स्कूलिंग फिर फन लर्निंग हो जाती है। टाइम के साथ टीचिंग जो मेथोलॉजी है वो भी बहुत चेंज होती है। हर जनरेशन के साथ हर जनरेशन को पढ़ाने का तरीका चेंज होता है, वो स्कूल में टाइम टू टाइम अब डेवलप करना पड़ता है। उसके साथ कि बच्चों को रोबोटिक्स में इंटरेस्ट हो, किसी को मैथ में इंटरेस्ट हो, किसी को डिबेट में बोलने का इंटरेस्ट हो, किसी को म्यूजिक में इंटरेस्ट हो, उन सब के लिए हमारे पास 20+ लैब एंड एक्टिविटीज़ हैं। हर एक्टिविटीज़ हमने उस हिसाब से डेवलप की कि बच्चा जो एक फिनलैंड की थ्योरी है लर्निंग बाई डूइंग, उस बेसिस पे हर एक्टिविटी को डेवलप किया गया है। अगर किसी बच्चे को स्पोर्ट्स में इंटरेस्ट है, इसके लिए हमने एक बहुत नेशनल लेवल तक के स्पोर्ट्स इंफ्रा डेवलप किया है। हमने बच्चों के लिए 400 मीटर प्लस एक ओलंपिक साइज ट्रैक है विद फुटबॉल एंड क्रिकेट फील्ड एंड बास्केटबॉल कोर्ट। सो आई वार्मली वेलकम ऑल द पेरेंट्स टू द CIS कैंपस। सो कम एंड विजिट, डिफरेंशिएट CIS फ्रॉम अदर स्कूल्स। थैंक यू।